दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो मध्य प्रदेश में भी लोगों को डीजल पेट्रोल में अब राहत नजर आई है। आपको पता ही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई जिससे डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैट हटा दिया, 4% ये वैट हटाया गया। इसके साथ डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले जो उपकर हैं वैट के अलावा 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए तक उसको भी घटाया गया। तो अब मध्य प्रदेश में कीमतें हो गई हैं कम। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। राजधानी भोपाल की अगर आपसे बात कर लूं, जहां पर इस राहत से पहले 118 रुपए तक पहुंच चुका था पेट्रोल का भाव, तो अब राजधानी में 107 रुपए 21 पैसे का पेट्रोल है। वहीं डीजल जो है 90 रुपए 86 पैसे का हो गया है। वहीं इंदौर की बात करूं आपसे, तो इंदौर में भी जो 119 रुपए के आसपास था पेट्रोल का भाव, वो घटकर 107 रुपए 40 पैसे हो गया है। जबलपुर में भी लगभग यही कीमतें हैं। ग्वालियर में पहले से कम थी क्योंकि मथुरा रिफाइनरी नजदीक है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है। लेकिन दिवाली से पहले मिले इस उपहार के बाद सवालों की बौछार भी होने लगी, इसको सियासी रंग में दिया जाने लगा और ये बात निकलने लगी, क्या उपचुनाव के परिणामों के बाद ये फैसला लिया गया है? क्या उपचुनाव में जहां जहां हार हुई है उसका असर इन परिणामों में दिखता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर बात कही जा रही थी कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनेगा और लोगों के जहन में जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बड़ा मुद्दा बन सकती है और बन भी रही थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों से चाहे वो किराना हो चाहे वो सब्जी के दाम हो, तमाम चीजों की महंगाई आसमान छू रही थी। अभी भी जो राहत मिली है, एक राहत तो है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ा के 4% की राहत दे दी और वैट तो हटाया, उपकर भी हटा दिए, तो इससे ये बात अलग है कि अब ये तस्वीर आ रही है निकलकर सामने कि करीब 2000 करोड़ का जो चालू वित्त वर्ष में शेष महीने बचे उनमें घाटा होगा सरकार के खजाने पर। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगे, देर से उठाया गया ये कदम, पहले क्यों नहीं उठाया गया? इसको उपचुनाव से लेकर जोड़ा जाने लगा, जिस बात को मैं आपसे कह रहा था। हालांकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली है, लोकसभा सीट भी जीती है, 2 विधानसभा सीट जीती है, 1 सीट बीजेपी हारी। लेकिन देश के परिदृश्य में इसको इस तरीके से देखा जाने लगा कि कहीं ये कीमतें आने वाले वक्त में, चाहे मध्य प्रदेश में 2023 में भी चुनाव होना हो या तमाम जगह है, कहीं हार के बाद ये उपहार तो नहीं मिला है जनता को प्रदेश।